हेलो दोस्तों, आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आपके सामने लेकर आया हूँ फंडामेंटल की यूनिट नंबर 5। आज हम यूनिट नंबर 5 को शुरू करेंगे। माखनलाल विश्वविद्यालय और महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे हम क्लासेस को कवर कर रहे हैं। आज यूनिट नंबर 5 शुरू होने वाली है। धीरे धीरे हमने यूनिट नंबर 4 तक पूरा फंडामेंटल कवर किया, पूरे टॉपिक को कवर किया। आशा करते हैं कि आपने वो क्लास ले ली होंगी। नहीं ली है तो आप कृपया करके पहले उनको ले लीजिए, उसके बाद हम इस क्लास पर पहुंचेंगे। और दोस्तों, सारी वीडियोस को यदि आप देख लेते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई कमी पेशी नजर आती है, यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके बारे में कमेंट करें, ताकि हम आपको अच्छे से इजीली वीडियो भी बनाकर आपके पास प्रोवाइड कर सकें। और उससे ज्यादा यदि आपको सीखना है तो प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ ऑफलाइन पढ़कर देखिए, जहाँ तमाम सुविधाएं, फ्री नोट्स, लोस्ट फीस और भी कई सुविधाएं आपके पास, एक्स्ट्रा क्लासेस, बच्चों को अलग से उन पर ध्यान दिया जाता है, स्कॉलरशिप सुविधाएं आपको हमारे सेंटर पर अवेलेबल होगी, जिसमें आप बहुत ही कम फीस में बहुत सारे कोर्सेज कर सकेंगे, बहुत सारे कोर्सेज सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो दोस्तों, एक बार ज्वाइन कर जरूर देखिए, सीखिए और CPCT DCA PDCA के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस को ले सकते हैं। अच्छा लगे तो एक बार आकर हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें। और हमारी क्लासेस जो शुरू होती हैं ऑनलाइन भी चलती हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। वहाँ भी पूरे देश भर के अंदर किसी भी कोने में बैठ करके आप कम से कम फीस में ऑनलाइन क्लास भी हमारी ले सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारी वेबसाइट itworldinstitute.co.in पर जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कोर्स के लिए और जानकारी भी ले सकते हैं, सिलेबस ले सकते हैं। बहुत सारे नोट्स भी यहाँ से आपको फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं। चलिए आज के बारे में शुरू करते हैं टॉपिक और आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में यूनिट नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशंस क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रकार से आप हर हम बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन ही है, जिसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक स्कूल वगैरह में क्लासेस में कि कम्युनिकेशंस क्या होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस क्या है। एक्चुअली में जब कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि लिखाया गया है। जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं तो इस क्रिया को कम्युनिकेशन या इंग्लिश में कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ये तार के माध्यम से या तरंगों के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल। टेलीफोन में आप देखते हैं तार के माध्यम से बात की जाती है और मोबाइल में तरंगों के माध्यम से बात की जाती है। कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं? आप यहाँ बताए गए हैं 3 प्रकार, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स का मतलब होता है जब कोई कम्युनिकेशन एक ही दिशा में होता है, यानी कि जब एक डिवाइस से डाटा दूसरी डिवाइस में जाता है और जो दूसरी डिवाइस से डाटा पहली डिवाइस में नहीं आता है, सिर्फ जाता ही जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपलेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मशीन है, यहाँ से डाटा सिर्फ दूसरी मशीन में जा रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। जैसे कि आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते हैं तो डाटा इसमें कंप्यूटर में अंदर फीड होता है, यहाँ से डाटा इसमें नहीं आता, तो उसे हम सिंपलेक्स कम्युनिकेशन कहेंगे। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कीबोर्ड के द्वारा टाइप करना, रेडियो, टेलीविजन आदि। ये कम्युनिकेशन जो होता है वो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन होता है। आगे दिया गया है हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन जब डाटा आ रहा होता है तो जाता नहीं है और जब डाटा जा रहा होता है तो आता नहीं है। इसका अर्थ है कि डाटा के कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही दिशा में होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता। जैसे कि हार्ड डिस्क पर डाटा को रीड और राइट करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास व्हाट्सएप पे कोई
वीडियो और आती है, तो जब तक उस वीडियो को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर लेते तब तक आप उसे किसी को भेज नहीं सकते। जी हाँ, आप अपने मोबाइल से डाटा को भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप से, और उसको पा भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। दोनों ही काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब तक डाउनलोड नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो यह भी आपका जो प्रोसेस है वो हार्ड ड्यूप्लेक्स है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी हार्ड डिस्क में डाटा जो लिखा जाता है, जब राइट हो रहा होता है तो डाटा रीड नहीं कर सकते, और जब रीड हो रहा होता है तो उसे हम राइट नहीं कर सकते। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में डाटा का संचार एक ही समय में दोनों दिशाओं में हो सकता है, जैसे कि टेलीफोन पर बात करना। जी हाँ, टेलीफोन पर जब बात करते हैं तो हम एक ही समय में दोनों तरफ बात कर सकते हैं। जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो हम कोई भी बात, मैं यहाँ से बोलूंगा तो आप भी सुन सकते हैं, और आप बोलेंगे तो मैं भी सुन सकता हूँ। इस प्रकार से लाइव क्लास हम जब लेते हैं तो लाइव क्लास में जब कोई स्टूडेंट हमको कुछ भी पूछता है तो वो भी हमसे पूछ सकता है, और यहाँ से हम भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ से बातें हो सकती हैं। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो होता है वो फुल ड्यूप्लेक्स होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो कम्युनिकेशन होता है वो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो तीन कम्युनिकेशन आपने पढ़े, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। अब यहाँ पर बात आती है, मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि मोबाइल वालों के पास आपने देखा हो, तो सॉरी पुलिस वालों के पास आपने देखा होगा कि पुलिस वालों के पास एक काले कलर का एक वॉकी टॉकी से आप बोलते हैं वायरलेस लगा होता है पीछे, जिसमें बड़ा सा एंटीना होता है, तो वो जो डिवाइस है उसमें कौन सा कम्युनिकेशन होगा? आप सोच करके बताइएगा कमेंट में मुझे कि वो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है, हाफ ड्यूप्लेक्स है या फुल ड्यूप्लेक्स है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा इस बात को, और फिर देखते हैं कौन सही जवाब देता है। गलत जवाब आता है तो उसके बारे में हम सही जवाब भी आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो बताइएगा मुझे कि वॉकी टॉकी जो होता है, वायरलेस जो होता है, वायरलेस फुल ड्यूप्लेक्स है या हाफ ड्यूप्लेक्स या सिंपलेक्स है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य दो समान या विभिन्न डिवाइस के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने से है। जब दो समान डिवाइस या एक से अधिक डिवाइस भी हो सकती हैं जिनके बीच डाटा का आदान प्रदान होता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए एक जैसी डिवाइस होना आवश्यक है, एक समान डिवाइस होना आवश्यक है। एक समान से मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फॉर एग्जांपल, आप सोचें कि मैं इस पेन को इस पेन से जोड़ दूं या कम्युनिकेशन बना दूं, तो दोनों में नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना, दो समान डिवाइस का मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी ये डिवाइस है अगर नेटवर्क को फॉलो करती है तो ये भी नेटवर्क को फॉलो करना चाहिए, तो ही दोनों में कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल के अंदर और दूसरे मोबाइल के द्वारा आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो दोनों मोबाइल के अंदर वो सुविधा होनी चाहिए। अगर उनमें सुविधा नहीं होगी तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। एक डमी मोबाइल का रियल मोबाइल के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों की समान नहीं है, तो दोनों ही डिवाइस समान होना जरूरी है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कम्युनिकेशन के प्रभाव को तीन प्रमुख विशेषताएं द्वारा दिखाया गया है। तीन विशेषताएं होती हैं कम्युनिकेशन की। पेपर में कई बार पूछा गया है कम्युनिकेशन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो कम्युनिकेशन की तीन विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर पहुंचाते हैं, तो दूसरी डिवाइस पर डाटा अगर डिलीवर हुआ है, पहुंचा है, तो ही वो कम्युनिकेशन है। अगर पहुंचा नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करूँ और वो मैसेज आपको नहीं मिला तो हम उसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ से व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर दिया हो। यदि आपको मिलता है, डिलीवर होता है, तो ही वो कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। दूसरा दिया गया है एक्यूरेसी। इसका मतलब होता है जो डाटा भेजा गया है वही डाटा आपको मिलेगा, वो चेंज होके नहीं मिलेगा। मैं आपके पास फोटो भेजूं और वो वीडियो बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फोटो भेजूंगा तो आपके मोबाइल में फोटो ही आएगा, वीडियो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये शुद्धता मतलब हो गया, जैसा डाटा भेजा गया है वैसा ही डाटा शुद्ध रूप से एक्यूरेट डाटा प्राप्त होता है। और लास्ट में दिया है टाइमलाइन। तो हर कम्युनिकेशन के अंदर जब एक डिवाइस से जो डिवाइस है दूसरी डिवाइस में डाटा जाता है तो कुछ समय निर्धारित किया जाता है। उस समय पर डाटा अगर डिलीवर हो गया तो डाटा डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद वो डाटा डिलीवर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करता हूँ और आपका मोबाइल 4 महीने से बंद है,
तो मेरे मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भी होगा, टेक्स्ट मैसेज का चार्ज भी कट जाएगा, लेकिन वो मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शायद 24 आवर के बाद मेरे मोबाइल पर रिपोर्ट आ जाएगी डिलीवरी फेल। डिलीवरी फेल का मतलब हो गया वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो आगे डिलीवर नहीं होगा। तो वो टाइम लाइन क्रॉस कर गया। हर कम्युनिकेशन के अंदर एक टाइम लाइन होती है जो कि डाटा को पहुंचाने तक का समय एक निर्धारित किया जाता है, वो जरूरी होता है। तीन चीजें कम्युनिकेशन में होती हैं, एक तो डिलीवरी, एक एक्यूरेसी और एक टाइम लाइन। इसके बाद है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? जी हाँ, एक कम्युनिकेशन जो होता है उस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाथ पैर, यानी कि कम्युनिकेशन के हाथ पैर। तो एक कम्युनिकेशन जो होता है उस कम्युनिकेशन के किन किन चीजों से मिलकर कम्युनिकेशन बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ पांच नाम बताए हैं, इनको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, इनको आप स्वयं डिस्क्राइब करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूँ मोटा मोटा, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो आप स्वयं अपने मन से डिफाइन करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मैसेज लिखा हुआ है, तो मैसेज क्या है? मैसेज एक वह डाटा है जो कि हम एक सेंडर डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेजते हैं। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे हम कम्युनिकेशन में जो डाटा भेजते हैं उस डाटा को हम मैसेज कहते हैं। यदि मैं आपको कोई फोटो भेज रहा हूँ तो फोटो मेरे लिए वो मैसेज है। वीडियो भेज रहा हूँ तो वीडियो क्या है? वो मेरे लिए मैसेज है। ठीक है, तो मैसेज एक वह डाटा है जो कम्युनिकेशन में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पहुंचता है। सेंडर का मतलब क्या होता है? सेंडर का मतलब होता है वह डिवाइस जो किसी डाटा को यानी कि मैसेज को दूसरी डिवाइस पर भेजेगा। ये ए डिवाइस है और ये बी डिवाइस है, ये ए है और ये बी है। ए डिवाइस डाटा गया यहाँ पे, तो जो इसने भेजा है वो तो मैसेज हो गया, और भेज कौन रहा है? ए, तो ये सेंडर हो गया। जो डिवाइस मैसेज को भेजती है वो सेंडर कहलाती है, जो प्राप्त करती है वो रिसीवर कहलाती है। तो मैसेज क्या होता है समझ में आ गया, सेंडर क्या है समझ में आ गया, रिसीवर क्या है? जो डिवाइस मैसेज को प्राप्त करती है उसे हम रिसीवर कहते हैं। आगे दिया हुआ है मीडियम। मीडियम का मतलब होता है ये सेंडर जब डाटा भेजता है तो वो डाटा किस माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है, तरंगों के माध्यम से या तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से या वायरलेस तरीके से, तो किस माध्यम से डाटा ट्रांसफर हो रहा है उस माध्यम को हम कहते हैं मीडियम, यानी कि माध्यम। तो नेटवर्क के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जब कोई डिवाइस या कोई सेंडर मैसेज को दूसरी डिवाइस के लिए भेजता है तो किस माध्यम से, वायरलेस या वायरलेस तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है और दूसरी जगह पहुँचता है, तो उस तरीके को, माध्यम को हम वायर या वायरलेस जो माध्यम होता है उसको हम मीडियम कहते हैं, उस मीडियम को हम माध्यम कहते हैं। प्राप्तकर्ता रिसीवर होता है, जो मैसेज भेजा गया है उसे कौन प्राप्त करता है? रिसीवर, रिसीवर हो गया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल एक ऐसी मशीन है, सॉरी मशीन नहीं, ये नियमों का समूह है। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आपको इस प्रोटोकॉल में रखे काम करना होगा, यानी कि ये नियम आपके लिए बताए गए हैं, आपको इस नियम के अंतर्गत रखे काम करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे, तो उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। प्रोटोकॉल नियमों का समूह है। जब दो डिवाइस आपस में कनेक्ट की जाती है, ये डिवाइस है, इन्हें आपस में आप जोड़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो इन दोनों के लिए कुछ खास नियम बनाए जाएंगे, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, कनेक्ट होंगी, तो रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप इस मशीन को नेटवर्क में, इस पैन को नेटवर्क में नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये, इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए यदि आपने देखा होगा कई बार कुछ रिमोट वाले पंखे भी आते हैं, कुछ ऐसे पंखे, ऐसे लाइट भी आ गई हैं जिसको हम नेट से कनेक्ट कर सकते हैं और दूर बैठे बैठे उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन और ऑन और ऑफ करते हैं दूर बैठे बैठे, यानी कि उसको हमने नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। तो उस डिवाइस के लिए जो ऑन ऑफ करने वाले बटन होंगे, ऑन ऑफ करने के जो फैन होंगे, उनके जो स्विच होंगे वो अलग तरीके के होंगे, वो नॉर्मल स्विच नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल स्विच उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उनके लिए एक अलग से नियम बनाए गए हैं, तो नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो ये कह सकते हैं कि जो दो डिवाइस होती हैं तो दो अलग अलग डिवाइस नेटवर्क के अंदर अलग अलग सिग्नल को पैदा करती हैं, जिस वजह से अलग अलग सिग्नल एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं।
इन दोनों को समझने के लिए, इन दोनों को समझाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग जो दोनों के दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो सकें, उन नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये मैंने पांच नाम आपको दिए, एलिमेंट बताए मैंने, ये एलिमेंट आपको खुद ही इन्हें पढ़ना है, समझना है, एक मैसेज क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, मीडियम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ये आपको खुद ही आपको समझना है, और समझने के बाद आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है और याद करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है।